The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, हम बात कर रहे हैं STDs, यानी कि आपने सेक्स किया और उसके बाद आपको इचिंग हो रही है. So you have itching after sex or maybe one day after sex, soon after sex, and you are having itching in your vaginal area, vagina या penis, यानी कि private part में itching हो रही है. So अब इसमें क्या होगा, इस टाइप के प्राइवेट पार्ट की इचिंग को हम कहते हैं, मैंने इसके नॉर्मल रीजंस आपको बताए अभी पिछले पार्ट में, और अब हम बता रहे हैं उसमें इन्फेक्शंस. पहले फट से सोच समझ लेते हैं, याद रखिए प्रॉब्लम कैन बी पीएच इम्बैलेंस, प्रॉब्लम कैन बी ड्राइनेस, लेटेक्स एलर्जी, कॉन्डम एलर्जी, इट कैन बी स्पर्म, सीमेन एलर्जी, इट कैन बी इचिंग आफ्टर सेक्स, कैन बी बिकॉज ऑफ इन सारे रीजंस, एंड सबसे कॉमन है ड्राइनेस. और माड़ी मुट्टी इचिंग कैन बी देयर बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस एंड ओवर एक्टिव सेक्स एंड ऑल. मगर एक्चुअल इन्फेक्शन हो तो क्या होगा, और जो आपको डर लगता है कि सेक्स के बाद इचिंग शुरू हो गई है अब तो मेरा क्या होगा. सो इन्फेक्शन इज वेरी कॉमन आफ्टर और वेजाइन सेक्स के इचिंग, और कई सारे इन्फेक्शन से इचिंग होती है, चाहे वो वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन हो, फंगल हो, बैक्टीरियल हो, बैक्टीरियल वेजिनोसिस जिसको बोलते हैं, या फिर STD हो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड. इवन पैरासाइट से भी इचिंग होती है. और वेजाइनल इन्फेक्शन जो है, इट विल डिपेंड अपॉन किस चीज़ से इन्फेक्शन हो रहा है. सिम्टम्स क्या आ सकते हैं, हर एक के अलग होंगे, लेकिन कुछ कॉमन सिम्टम होंगे जिससे हम ये बता सकते हैं कि भाई ये ड्राइनेस ड्रूइनेस वाली चीज़ नहीं, ये तो इन्फेक्शन है. ये कैसे, इचिंग होगी, वो तो सब में हो रही है. कलर चेंज होगा आपके वेजाइनल डिस्चार्ज का, कलर और अमाउंट, ज़्यादा ज़्यादा डिस्चार्ज या कलर चेंज हो रहा है. पेशाब करते वक्त जलन या पेन हो रहा है, इंटरकोर्स करते वक्त जलन या पेन हो रहा है, और सबसे बड़ा अगर वेजाइनल ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो रहा है इन बिटवीन पीरियड्स, नाउ दिस इज नॉट सो गुड. सो लेट्स टॉक अबाउट STDs, कि बहुत सारी STDs हैं, उनमें कौन कौन सी STDs का क्या हिसाब किताब है, उसके कितने दिनों बाद सिम्टम आता है, कैसे आता है, तुरंत दौड़ा दौड़ा के देखते हैं. एक होता है एक पैरासाइट जिसका नाम है ट्राइकोमोनस वेजिनालिस, ट्राइकोमोनियासिस. मोस्ट पीपल डोंट हैव एनी साइन एंड सिम्टम कितने दिन तक, 5 से 28 दिन के बाद उनको समझ में आता है कुछ हो रहा है. सिम्टम्स क्या आ सकते हैं, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होगा, और पेन या बर्निंग ड्यूरिंग सेक्स एंड यूरिनेशन होगा. ट्राइकोमोनियासिस ये है एक पैरासाइट. फिर देर इज समथिंग कॉल्ड क्लैमेडिया. क्लैमेडिया मतलब ये थोड़ा सीरियस चीज है, बिकॉज क्लैमेडिया कैन कॉज परमानेंट डैमेज टू योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर उसको ट्रीटमेंट नहीं किया. सो अच्छी बात यह है कि इट कैन बी ईजिली क्योर्ड. क्लैमेडिया ज़्यादातर लोगों में क्लैमेडिया है फिर भी सिम्टम नहीं आएंगे, लेकिन जब सिम्टम आएगा तो उसमें वेजाइनल डिस्चार्ज एबनॉर्मल आ जाएगा, कलर स्मेल या क्वांटिटी में, और फिर से बर्निंग सेंसेशन होगा यूरिन में. सो बर्निंग सेंसेशन, एबनॉर्मल डिस्चार्ज, डोंट टेक इट लाइटली, स्पेशली आफ्टर सेक्स, अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो. गोनोरिया, गोनोरिया इज ऑल्सो एक तरीके से मान लीजिए सीरियस इन्फेक्शन है, वो भी एसिम्प्टोमेटिक होता है और कुछ दिनों बाद सिम्टम्स आएंगे, आपका डिस्चार्ज बढ़ जाएगा, ब्लीडिंग हो सकता है उसमें, पेनफुल यूरिनेशन. हर्पीज, जेनाइटल हर्पीज दो तरीके का होता है, हर्पीज सिंप्लेक्स टाइप 1, HSV हर्पीज सिंप्लेक्स टाइप 2. इसमें जिसमें होगा, कई बार दोनों को एक या दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, और ऐसे में कोई सिम्टम ज़्यादातर नहीं आता, लेकिन उनको फिर दाने आने लगेंगे, ब्लिस्टर आने लगेंगे, एक से ज़्यादा, एक या उससे ज़्यादा, अराउंड द जेनिटल एरिया, पीनस के आसपास या वेजाइना के आसपास, वो ब्लिस्टर इचिंग और पेन करेंगे. जेनिटल हर्पीज में आपको फीवर या फ्लू जैसे बॉडी पेन सिम्टम्स आ सकते हैं. सो इस केस में फिर एंटीवायरल मेडिकेशन, वायरस है, एंटीवायरल मेडिकेशन देनी पड़ती है. ऐसा ही एक और वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, उसको वो करता है जेनिटल वॉट्स. जेनिटल वॉट्स में, पैपिलोमा में टाइप 6 एंड टाइप 11, ये दो तरीके के आपके होते हैं. दे आर यूजुअली वॉट्स है, एसिम्प्टोमेटिक, कुछ नहीं पता चलेगा, बस कुछ
बम्प आएंगे, वॉट्स जैसे आएंगे, कभी ये कभी क्लस्टर्स में अगर आपको दिख गए, कभी कभी वजाइना के अंदर होंगे, अगर आपको दिख गए तो ठीक है, नहीं तो वो इचिंग, बर्निंग, कभी कभी ब्लीडिंग भी कर सकते हैं, तो जेनाइटल वॉट्स कैन बी इनसाइड ऑल्सो। फिर पेनिस में इचिंग हो रही है, इची पेनिस आफ्टर इंटरकोर्स, दैट कैन बी बिकॉज ऑफ द ड्राई स्किन, रफ सेक्स और सेक्स विदाउट इनफ लुब्रिकेशन, एंड कैन बी दिस कैन कॉज यू बर्निंग, इचिंग, घर्षण से सूजन वाला, और पॉसिबल पेनिस इचिंग में भी लेटेक्स एलर्जी इन्वॉल्व हो सकती है। आपने कॉन्डम पहना, आपको ऊपर भी इरिटेशन है, बहुत कम लोगों को होता है, लेस देन 1% लोगों को होगा, फिर भी एलर्जी हो सकती है, और बहुत लेटेक्स एलर्जी थोड़ी इमरजेंसी टाइप सिचुएशन में, एनाफिलैक्सिस में भी जा सकती है, लेकिन इन्फेक्शन, यीस्ट इन्फेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन, यानी फंगल इन्फेक्शन पेनिस के ऊपर सबसे कॉमन है, पेनाइल यीस्ट इन्फेक्शन, उसके ऊपर रेड रैश, लाल रंग का रैश आ सकता है, आप इचिंग बर्निंग सेंसेशन होगा, आपके फोर स्किन या थिक वाइट सब्सटेंस कैन बी देयर अंडर द फोर स्किन और द फोल्ड ऑफ द स्किन, दैट कैन बी फंगस, राइट। और बेलेनाइटिस नाम की चीज होती है, जो फंगस नहीं है, जस्ट इन्फ्लामेशन है स्किन का, आपके पेनिस हेड का इन्फ्लामेशन, लाल लाल हेड हो गया पेनिस का, दिस कैन कॉज इचिंग, पेन होगा, स्वेलिंग होगा, रैश भी हो सकता है, उसके ऊपर डिस्चार्ज आ सकता है, जिसके अंदर बेलेनाइटिस में स्मेल ज़्यादा आ रही है, डिस्चार्ज हो सकता है। सो बेलेनाइटिस मोर फ्रीक्वेंटली ऑकर्स उन लोगों में होता है जो सर्कमसाइज्ड नहीं है, जो सर्कमसाइज उनमें कम होता है, बिकॉज ऑफ पुअर हाइजीन कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है, प्लस बहुत ज़्यादा रफ सेक्स किया तो। STDs जो हम बात करें पेनिस के केस में, सो STDs अगर आदमी को होगा तो उसके केस में पेनिस के थ्रू डिस्चार्ज आएगा, रेडनेस, रैश आ सकता है, और पेन होगा पेनिस, टेस्टिकल या स्क्रोटम में, अंडकोशों में भी दर्द हो सकता है, बर्निंग हो सकती है यूरिन करते समय, पेन हो सकता है सेक्स करते समय, और जेनाइटल सोर्स या ब्लिस्टर भी हो सकते हैं, फोड़े फुंसी भी हो सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ इसमें कर सकती है आदमी को, गनोरिया, क्लेमेडिया, जेनाइटल हर्पीस, जेनाइटल वॉट्स, ट्रैकोमोनियासिस, ने सारे जो हमने फीमेल में बताए यही वाले मेल को भी हो सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो आपको समझना है कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या रीज़न हो सकता है मेल में, फीमेल में। याद रखिए, देयर कैन बी सिंपल रीजंस जो आपके मे बी इट्स नॉट इन्फेक्शन, मगर इन्फेक्शन के कुछ आपको बताए हैं, पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, पेन ड्यूरिंग सेक्स, ब्लीडिंग आपके कहीं से भी हो रही है, वजाइना से या पीनस से, और आपके फाउल स्मेलिंग, गंदी बदबू आदार डिस्चार्ज आ रहा है, तो वो सीरियसली लेना पड़ेगा। कई बार आप इनिशियल स्टेज में माइल्ड इरिटेशन को घर पे ट्रीटमेंट ट्राई कर सकते हो, होम ट्रीटमेंट में कुछ नहीं करना, थोड़े दिन सेक्स नहीं करना है, एरिया को क्लीन रखना है, वॉश करना है, वॉशिंग प्रोडक्ट जो है वो सेंसिटिव वाले, कलरफुल और स्मेली फ्रेग्रेंस वाले नहीं होने चाहिए। यू कैन सिट इन अ जैसे सिट्स बाथ होता है वैसे गर्म कुनकुने पानी में ओटमील डाल के ओटमील बाथ ले सकते हो। डाउचिंग नहीं करना, वजाइना के अंदर से नहीं साफ करनी है डाल के पानी पूनी। ओवर द काउंटर यीस्ट इन्फेक्शन के लिए गोलियां, क्रीम आती है वो ले सकते हो, और अगर कभी यूज़ करते हो तो नॉन लेटेक्स कॉन्डम्स यूज़ करना है। मेडिकल ट्रीटमेंट में आपको अगर डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको कभी कभी इसके बेसिस पे डिपेंड करता है क्या है, अगर आपको लग रहा है इन्फेक्शन है एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, ओरल, टॉपिकल, इंजेक्टेबल, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा इन्फेक्शन लग रहा है। अगर कोई रैश है, एलर्जी लग रही है, तो ऊपर से लगाने के लिए स्टीरॉयड क्रीम्स दी जा सकती है। वॉट्स लग रहे हैं तो टॉपिकल वॉट वाली क्रीम देते हैं। वायरस है HSV ये हर्पीज वाले तो वायरल मेडिकेशन, फंगल लग रहा है तो फंगल मेडिकेशन, वॉट्स का तो क्रायो सर्जरी भी हो सकती है, वॉट्स का लेजर रिमूवल भी हो सकता है। बट रिमेंबर, इफ योर वजाइना और पीनस इज इचिंग और वो होम ट्रीटमेंट से दो चार दिन में या एक दो दिन में ठीक नहीं हो रहा, या उसमें रैश आ गया है या सोर आ गया है घाव, और वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, या कोई भी ऐसे सीरियस चीज़ हो रही है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। याद रखिए, अगर माइल्ड इचिंग हो रही है वो एक दो दिन में ही ठीक हो जाएगी और वो सीरियस नहीं होता है, लेकिन दिक्कतें बढ़ रही है, ऐसे कोई भी साइन है, तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाइए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, दिस इज डॉक्टर परमजीत, थैंक यू, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।